आ गई, करवा दिया हमारा मुंह काला। ये क्या कह रही हैं आप मुमानी जान? क्यों, तुम तो नन्ही काकी हो, तुम्हें तो समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ। पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी करवा दी, अभी चैन नहीं आया इसको जो यहां लेकर आ गई हो। इतनी खतरनाक लड़की जो शौहर को कत्ल कर देगी किसी दिन, तो मेरा गला दबा के मुझे भी मार देगी। ना बाबा, मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगी, ले जाओ इसे। मुमानी जान ये यहीं रहेगी इसी घर में, और इसने कोई कत्ल नहीं किया। रिजवान ने इस बात का मरने से पहले इतराफ कर लिया था, तभी तो ये जेल से बाइज़त बरी होके आई है। तो क्या करूं मैं, फिर मिठाई बांटूं, लुड्डियां डालूं? पूरे मोहल्ले में हमारी तो बदनामी हो गई ना। वो इज्जत तो हमारी वापस नहीं आएगी ना, पूरे लोग हम पे थू थू कर रहे हैं, किस किस को सफाइयां दूंगी मैं? जोहेब क्यों आया था वहां पे? फिर से मरासम बढ़ा लिए, बताओ क्यों आया था? हमारी जान आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ये मुझे तो अब डर लगने लगा है अम्मा। सीधी साफ बात है, इस लड़की की वजह से मेरा बसा बसाया घर वो उजड़ जाएगा। जरबाब के घर वाले इतने गुस्से में, और वो नवाल, वो तो गुस्से से रूठ कर अपने महके ही चलेगी। और जुहेब ने इस लड़की के चक्कर में पूरे खानदान का जीना हराम किया हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं मुमानी जान, वो सिर्फ हमारी मदद करने आया था, लेकिन मैंने उसको समझा दिया वो आइंदा मेरे साथ रब्ता नहीं करेगा। तुमने समझा दिया उसे? सुन ले, खुदा का वास्ता है आप दोनों इस वक्त इस किस्म की बातें ना करें। मेरी बहन पहले ही बहुत बड़े अजाब से गुजर के आई है। तो मैं क्या करूं? अजाब अपना खरीदा हुआ था ना, मैंने कहा तो शोर को कत्ल करो, मेरी वजह से आया अजाब, मुझे क्यों सुना रही हो? और ऐसे पीछे मुड़ मुड़ के मत देखो, पता है सारे दिन उसको पट्टियां पढ़ाती हो। बाजू पकड़ो और इसको इसके शौहर के घर ले जाओ। मैयत वाला घर है बीबी, वहां होना इसका बहुत जरूरी है। नहीं, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। आप लोगों को जाना है तो आप शौक से जाइए, मेरा उस घर से उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी वहां पर। अरे ये तो ऐसे कूद रही है जैसे इसके बाप का घर है। तू चुप करके क्यों खड़ा है, तू नहीं बोल सकता?